वेलकम टू आवर चैनल। आज है 23 सितंबर 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस, जितने भी करंट अफेयर्स 23 सितंबर 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 3 बजे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? सुल्तान नेशनल पार्क। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? ऑप्शन अंडमान और निकोबार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन और दीव। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। यहाँ पे है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर कब स्थापित किए गए? तो 16 अक्टूबर 1947 में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो समर में है श्रीनगर और विंटर में है जम्मू। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दमन एंड दीव के प्रशासक कौन है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है प्रशासक? प्रफुल्ल पटेल। ये दमन और दीव के प्रशासक है। और दमन एंड दीव कब स्थापित किए गए? तो 30 मई 1987 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 15 सितंबर, 20 सितंबर, 21 अगस्त, 21 सितंबर। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। और 15 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे। अगला क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ संपर्क रहित भुगतान घर या टाइटन पे लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक के साथ। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है। SBI भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार। और SBI के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और SBI कब स्थापित किए गए? 1 जुलाई 1955 में। ICICI बैंक के MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी। और येस बैंक के CEO कौन है? प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन,
इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी ये हमारे हैं 14वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह है 14वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो है वाराणसी। वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र है, और ये 2001 से लेके 2014 तक ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन से राज्य के, तो गुजरात के, और ये अभी हमारे हैं 14वें 14th पीएम ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे है अमित शाह, ये हमारे हैं होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे कौन से मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में सुगुना फूड्स के साथ 15 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए IIB, NDB, ADB, IMF। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, ADB के साथ। ADB के साथ सुगुना फूड्स के साथ 15 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर ADB के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ADB, ADB के फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ADB के मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में। और ADB कब स्थापित किए गए, तो 19 दिसंबर 1966 में, 19 दिसंबर 1966। IMF, IMF के फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IMF के मुख्यालय का है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। AIIB के फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और AIIB के मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चाइना में। अगला क्वेश्चन है, ONGC निम्नलिखित अफ्रीकी राष्ट्र तेल क्षेत्रों में से किससे बाहर निकल गया है? ऑप्शन मिस्र, इथोपिया, सूडान, लीबिया। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, सूडान। ONGC सूडान अफ्रीकी राष्ट्र तेल क्षेत्रों में से बाहर निकल गया है। सूडान के कैपिटल क्या है, खार्तोम। क्या है कैपिटल, खार्तोम। और सूडान की करेंसी क्या है, सूडानीस पौंड। मिस्र के कैपिटल क्या है, कैरो। और मिस्र के करेंसी क्या है, मिस्र के करेंसी है पौंड। इथोपिया के कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा इथोपिया के कैपिटल है, और इथोपिया की करेंसी क्या है, इथोपियन बीर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सतीश झा, अनिल धर्माना, राहुल जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिल धर्माना। अनिल धर्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी संधान संगठन, इसको कहते हैं इंग्लिश में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO। और अनिल धर्माना ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये पौड़ी से, पौड़ी से। और ये पौड़ी कहां पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। यहाँ पे है मैप में हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्या। हरियाणा राज्य कब स्थापित किए गए, तो 1 नवंबर 1966 में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, और झारखंड के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्या,
उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देहरादून। देहरादून ये उत्तराखंड की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए। हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और हमारे रासायनिक और उर्वरक मंत्री कौन है? डीवी सदानंदा गौड़ा। कौन है? डीवी सदानंदा गौड़ा। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। यहाँ पे है क्वेश्चन में आयुष मंत्रालय, हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद नायक। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सितंबर 2020 में किस देश को 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? ऑप्शन मालदीव, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए, मालदीव्स। भारत ने मालदीव्स को 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। यहाँ पे है मैप में मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? तो माले। और मालदीव्स की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। यहाँ पे रुपया है, ये रुपया नहीं है, मालदीवियन रुपया। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी। नेपाल के संसद के नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत ये नेपाल की संसद के नाम है। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, दिन का प्रश्न, किस देश ने हाल ही में बलात्कार के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन मुंजाबिक, लाइबेरिया, चाड, इरिट्रिया। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 23 सितंबर 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।